नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी है। ऑस्ट्रेलिया से मिले 237 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव के बेहतरीन अर्धशतक के चलते ये लक्ष्य आसानी से पार कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे पूरी ऑस्ट्रेलियाई पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुशायरा किया। मैच खत्म हो जाने के बाद मैन ऑफ द मैच केदार जाधव को चुना गया। केदार जाधव ने बल्लेबाजी के साथ साथ ही गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तब उन्हें इस हार के बारे में पूछा गया तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि हमने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी खराब प्रदर्शन किया। टीम इंडिया जैसी मजबूत टीम के आगे हमने 237 रनों का एक मामूली सा लक्ष्य रखा, जिसे हमारे गेंदबाज डिफेंड नहीं कर पाए और हमें ये मुकाबला हारना पड़ा। इसके बाद एरॉन फिंच ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने और केदार जाधव ने आखिर में बेहतरीन बल्लेबाजी की। हमारा कोई भी गेंदबाज इन दोनों को आउट करने में नाकामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक अनुभवी खिलाड़ी है। वो गेंदबाजी के समय भी गेंदबाजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेशर भरे सिचुएशन में एमएस धोनी फील्डिंग भी खुद की मर्जी से लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा, वो विरोधी बल्लेबाज का दिमाग आसानी से पढ़ पाते हैं और उस खिलाड़ी को कैसे गेंदबाजी करनी है वो अपने गेंदबाजों को बताते हैं। और दोस्तों, कप्तान फिंच की ये बात सच्ची है। इससे पहले वनडे मुकाबले में आपने देखा ही होगा कि बीच के ओवर में कप्तान कोहली बाउंड्री लाइन पर खड़े थे और महेंद्र सिंह धोनी ही सारी फील्डिंग एडजस्ट कर रहे थे और किस गेंदबाज को गेंदबाज देनी है ये निर्णय भी वो खुद ही ले रहे थे। इससे साबित होता है कि भारतीय टीम का असली कप्तान अभी भी महेंद्र सिंह धोनी ही है। दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप किसको भारतीय टीम का असली कप्तान मानते हो, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।